साथियों अभी मैं उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसला आया उसको संपूर्ण मैं विश्लेषण करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या आप जो आपका 24 तारीख का एग्जाम होने वाला है यानी कि 24 से लेकर 26 तारीख या झारखंड जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा या बिहार वाला जो एग्जाम होगा क्या उस पर प्रभाव इस ऑर्डर का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दूसरी बात आप जान लें, संपूर्ण जानकारी यहां से दिया जाएगा, वो भी जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं या जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे बीएड यानी कि जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 1-5 के लिए बाहर कर दिया गया है, यानी कि उनका जो अब आप दायरा बहुत था उसको सीमित करने का प्रयास किया गया है और किया गया है। इससे पहले राजस्थान के द्वारा यह बताया गया था, राजस्थान के द्वारा यानी कि वहां के कोर्ट के द्वारा, कि बीएड वाले 1-5 के लिए इलिजिबल नहीं है, वो ऊपर भर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि यही सुप्रीम कोर्ट सभी अभ्यर्थी चले गए, सभी लोग चले गए और वहां पे बीएड और डीएलएड को लेकर यानी कि बीटीसी को लेकर बहुत सारा हमेशा से अपडेट चल रहा था और आज उसका अभी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसला आया है कि नहीं, 1-5 के लिए केवल और केवल यानी कि डीएलएड वाले अपीयर होंगे, डीएलएड वाले फॉर्म भरेंगे, बीएड वाले नहीं भरेंगे उसको। अब इस पर क्या बिहार सरकार के द्वारा यानी बीपीएससी के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उस पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, या इससे पहले जो बहाली हुआ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, या झारखंड वाला जो बहाली है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। अब थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया है वह सिंगल बेंच के द्वारा फैसला किया गया, ये बात आप जान लें। और आगे आइए, यहां पे आप देखते होइएगा बीएड या डीएलएड, और जो बीएड के कॉलेज है वो मैक्सिमम नेताओं के कॉलेज है, ये बात आप जानते हैं। वहां पे देखते होइएगा आपको किसी भी प्रकार से ना सेशन लेट होता है, ना डिग्री देने में कोई समस्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तब समस्या होता है। अब आइए एक बात और मैं बता दूं, बिहार और झारखंड के या किसी भी राज्य के संदर्भ में बहुत धड़ल्ले से भर्ती निकाली गई है और बहुत उसमें भर्ती पहले भी किया गया है जो कि बीएड वाले अभ्यर्थी को नौकरी मिल चुका है और इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड वाले ही मैक्सिमम फॉर्म भरे हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन एक बात को आप जरूर देखिएगा, मान लीजिए अभी जो बीटीसी का फैसला आया है यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो केवल सिंगल बेंच का है, ये डबल बेंच में भी मामला जा सकता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई संपूर्ण यानी कि कोई अभी तक नोटिस जो वहां का फैसला है वो अपडेट नहीं किया गया है, अभी नेट पर 1-2 घंटा में अपलोड होगा, उसके बाद फिर से एग्जाम टूर आपको लेकर इसका संपूर्ण विश्लेषण देगा, इसलिए आप वीडियो देखिएगा। थोड़ा सा और समझिए, एक राज्य सरकार के पास भी विशेषाधिकार होता है, यदि राज्य सरकार अपना विशेषाधिकार का भी प्रयोग करे तो भी हो सकता है। तो ये बीएड वाले या डीएलएड वाले ये अभ्यर्थी न सोचे कि बीएड का हार हो गया और डीएलएड वाले का जीत हो गया, या डीएलएड वाले का जीत गए बीएड वाले हार गए, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी इस पर अभी जो फैसला आया है उसमें यही कहा गया है कि डीएलएड के लिए सीमित क्षेत्र है, यानी कि जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं बीटीसी उसके उनके सीमित क्षेत्र है, यानी डीएलएड वाले के लिए सीमित क्षेत्र है, इसलिए उनको 1-5 के लिए इलिजिबल किया जा रहा है और केवल वो 1-5 का फॉर्म भरते हैं इसलिए। और बीएड वाले के लिए बहुत सारा क्षेत्र होता है, यानी कि आप 1-5 भी भरते थे, 6-8 भी भरते थे, आगे आइएगा तो 9-10 भी भरते थे, 11-12 भी भरते थे, तो इन सारे चीज को लेकर बताया गया। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, आप देखते होइएगा बीएड वाले विद्यार्थी ज्यादा मैक्सिमम संख्या में रहते हैं और बीएड का क्षेत्राधिकार भी ज्यादा है, लेकिन आप देखिएगा 6-8 का बहुत सारा ऐसा प्राथमिक पद होता है जो कि प्रमोशन से भी भर दिया जाता है, जिसको लेकर यह भी अभी विचारणीय विषय है। अभी यह केवल सिंगल बेंच का फैसला है और राजस्थान के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसी पर यह फिर से फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कि 1-5 के लिए यानी कि प्राथमिक विद्यालय से बीएड वाले बाहर हैं और केवल डीएलएड जो किए होंगे वही इस फॉर्म को भरेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इससे पहले जाते हैं यानी कि वो बिहार सरकार हो या यूपी सरकार हो या झारखंड सरकार हो या कोई सरकार हो, वह सरकार भी इससे पहले बहुत सारे शिक्षक बहाली किए हैं जिसमें कि बीएड को भी मौका दिए हैं। और आपसे बता दें अभी भी जो बहाली निकाला जा रहा है उसमें भी यही किया गया है कि 1-5 के लिए यानी कि बीएड वाले भी भर सकते हैं, डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, लेकिन आज का जो ये फैसला है तो ये नहीं होगा कि जो इससे पहले हो चुका है उस पर प्रभाव पड़े, मे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कुछ भी हो सकता है, जब तक कोई फाइनली नोटिस
नहीं आता है तब तक जो भी अभ्यर्थी हैं हताश और निराश नहीं होने की जरूरत है। सभी अभ्यर्थी केवल और केवल कोई डिग्री लेते हैं तो ये जरूर सोचते हैं कि उनको नौकरी मिले। इसमें डीएलएड वाले का भी और बीएड वाले का किसी अभ्यर्थी में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आप अच्छा से तैयारी करें, आपका जो एग्जाम है उसको लेकर तैयारी करें। बहुत सारे लोग आपको दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे कि आप बीएड किए हैं अब आप बाहर हो जाइएगा, आप डीएलएड किए हैं अब आप अंदर हो जाइएगा। ये सब बाद की बात है, ये सब कोर्ट का फैसला है। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, आप भी जानते हैं, लेकिन आप अपने पढ़ाई में आप एक भी अभी कमी ना छोड़ें। किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना लें, पढ़ाई को निरंतर रखें और जरूर पढ़ें। जो भी फैसला आएगा वह सरकार अमल करेगी और आपको भी मानना होगा, हमको भी मानना होगा, सभी को मानना होगा। लेकिन अभी ये केवल सिंगल बेंच का फैसला है, यह भी हो सकता है कहीं बीएड अभ्यर्थी डबल बेंच में चले जाए, या यह भी हो सकता है कहीं राज्य सरकार का जो विशेषाधिकार है राज्य सरकार भी अपने भी विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं शिक्षक भर्ती में। बहुत सारा बात है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी अभ्यर्थी हैं वह डीएलएड हो या बीएड हो, पढ़ाई में ध्यान दें, इन सारे चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन हो तो आप एग्जाम टूर पर आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नो मतलब इधर उधर की कोई बात नहीं, एकदम टू द पॉइंट बताया जाता है और सब कुछ जो फाइनली हो सकता है उसके बारे में बताया जाता है। तो यह भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं डबल बेंच में भी जा सकता है, बीएड वाले जा सकते हैं, या सरकार को भेजा जा सकता है कि नहीं आप ऐसा ऐसा करें, तो जिस प्रकार से आएगा उस पर करेंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे पे कमेंट कर रहे थे कि पुरानी बहाली का क्या होगा, तो पुरानी बहाली को अभी कोई उस तरह का जल्दीबाजी होगा इस पर कुछ कहना, या पहले से जो बहाल किए हुए विद्यार्थी हैं उनका क्या होगा, उन पर भी जल्दीबाजी होगा, या इस बार जो बीपीएससी के द्वारा बहाल किए जाएंगे 1-5 में उनका क्या होगा। तो कोई भी चीज पर अभी निर्णय लेना जब तक कि साइट पर अपलोड नहीं हो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का किस तरीका से है। हालांकि आप भी जानते हैं बहुत सारे जब ये विवाद चल रहा था उसके बाद की ये बीपीएससी का बहाली है, ये भी आप जान रहे हैं, बहुत दिनों से सुनवाई आ रहा था। तो फैसला पर ये भी हो सकता है कि कुछ समस्या भी हो जाए, या जो हो अब आगे आने वाले समय में मालूम चलेगा। और शाम में मैं बता दूं, शाम का जरूर वेट करिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस फैसला को अपलोड किया जाएगा उसका वीडियो मैं लेकर एक एक करके एक एक पॉइंट को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा।